हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ अपने किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए छोले बनाऊंगी। छोले मैं बिल्कुल अलग अंदाज में बनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोला बनाना। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 कप ये चना ले लिया था। इसको मैंने रात को ही भिगा दिया था। आपके पास टाइम ना हो तो आप 4 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगा देंगे, तब भी ये फूल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसे धुल के अच्छी तरीके से भिगा दिया था। ये फूल के देखिए बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो इसके लिए एक कुकर ले लीजिए। कुकर में हम इन छोलों को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी इतना ही होना चाहिए कि ये छोले भीग जाएं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए बस। इसमें मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रहे नमक थोड़ा ही ऐड करें। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। गैस पे चढ़ा देंगे। 5-6 सीटी आने तक इसे उबालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 6 सीटी लगवा लिया है इस चने में। ये अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। देखिए, ये हमने रख लिया है। इसका पानी हमने फेंका नहीं है। जो भी पानी था बचा वो हमने रखा है, वो मैं सब्जी बनाने के टाइम में ऐड करूंगी। साथ में मैंने ली है 3 बड़ी प्याज, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर पे बनाया है। अगर आप लोग को जानना है कि कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। साथ में 1 पिंच हींग ले ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, 1 टमाटर मैंने चॉप करके लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती कट कर लिया है और साथ अशोक का छोला मसाला लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए फटाफट से छोले बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने कुकर में तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाए फिर हम इसमें आगे मसाले ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले हींग ऐड करेंगे, उसके बाद जीरा ऐड कर देंगे। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म है। देखिए फटाफट से जीरा पक गया है। जीरा हमारा पक गया है। अब हम इसमें जो प्याज लिए थे उसका पेस्ट बनाए हैं वो ऐड कर देंगे, और इसी के साथ में मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। पका लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज लहसुन अदरक का जो पेस्ट था ये अच्छी तरीके से पक गया है। साइड से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले धनिया पाउडर। इन मसालों को ऐड करते समय आज जो है वो मीडियम कर दें, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, साथ ही में ज़रा सा पानी डाल दें और मिला लें। इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए मसाले हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर आप चॉप करके भी डाल सकते हैं और प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। टमाटर भी हमारा पक गया है। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे। छोलों को भी हमने मसाले के साथ भून लिया है। अब हम इसमें
पानी ऐड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे नीचे ये छोले हल्के हल्के से देखिए साइड में चिपकने लगेंगे, इस स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जो छोले में उबालते समय पानी बचा था वो हम डाल दे रहे हैं, साथ में मैंने पानी गरम करके रखा है, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालें, वो डाल देंगे। आपको जिस हिसाब से छोले को पतला गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करें। छोले तो हमारे पहले से ही पक गए हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से इसमें सीटी लगवाऊंगी ताकि इन छोलों के अंदर मसालों की खुशबू स्वाद सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ध्यान रहे नमक पहले भी डाले हैं हम, तो इसलिए ध्यान से डालें नमक ज़्यादा ना हो। इसके बाद हम इसमें 3 प्याज फ्रेंड्स हमने लिया था, 2 हमने पीस के डाला है, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च इस तरीके से चीरा लगा के प्याज को मैंने इस तरीके से गोल गोल कट कर लिया है, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। इसके बाद धनिया की पत्ती, डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर खोल दिया है, हमारे छोले बन गए हैं, पर इसमें मैंने छोला मसाला नहीं ऐड किया था, वो हम बाद में ऐड करेंगे। देखिए छोला मसाला ऐड कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा देंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छी थिक हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने अपने छोलों को सर्व कर लिया है, देखिए ये टेस्टी टेस्टी छोले तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये छोले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।